हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो रखे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस क्या स्टार्ट हो गई हैं या फिर अभी तक स्टार्ट नहीं हुई हैं। मैं आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँगी क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो रखे हैं। क्या प्रोसीजर है ऑनलाइन क्लासेस लेने का? भाई, ये तो प्लस पॉइंट है ना, आप घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। एग्जाम्स का डाउट तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपका। नहीं हुआ तो एक बार और बता देती हूँ, एग्जाम्स आपके होंगे और होके ही रहेंगे, ठीक है? ये बेकार की बातों में मत उलझे रहना कि हम पास हो जाएंगे ही वही। तो ये मत सोचना कि बैठे बिठाए आपको पकी पुकाई खीर मिल जाएगी, यानी कि आप हो जाओगे पास, आप हो जाओगे प्रमोट, आपको दूसरी क्लास में डाल दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। एग्जाम्स होंगे, इसीलिए हो रही है ऑनलाइन क्लासेस की प्रिपरेशन। और अभी तक ऑनलाइन क्लासेस हुई नहीं है शुरू, अभी तक ऑनलाइन क्लास नहीं हुई है शुरू, ठीक है? तो आप सब स्टूडेंट ने जो माइक्रोसॉफ्ट टीम का जो एक सॉफ्टवेयर है वो आप लोगों ने डाउनलोड कर दिया होगा। नहीं डाउनलोड किया तो आप प्ले स्टोर पे जाके या फिर आप क्रोम साइट से उसको डाउनलोड कीजिए और उसके बाद जो है आप क्लासेस लॉग इन करके क्लासेस ले सकते हो। अब आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट जो जिस चीज़ के ऊपर, यानी जिस सब्जेक्ट के ऊपर क्लास चल रही है, अगर कोई पॉइंट आपका समझ में नहीं आ रहा तो आप टीचर से कमेंट के थ्रू आस्क कर सकते हो। मे बी दे विल सजेस्ट यू, दे विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है? तो आपको मैंने एक चीज़ क्लियर की कि ऑनलाइन क्लासेस अभी शुरू नहीं हुई है। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्लियर की कि आपको एक माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में जाके। सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, अगर नहीं है तो आपके घर में आपके मम्मी पापा बहन भाई जिसका भी है, सब घर में ही है आजकल ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो आप उनका फ़ोन यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और एग्ज़ाम का कंसेप्ट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एग्ज़ाम्स होंगे, इस भरोसे बिल्कुल मत रहना कि आप पास हो जाओगे। काफ़ी सारे सिग्नल्स मिल रहे हैं, 20 तारीख को भी एक नोटिफिकेशन डाला गया है और सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको रीड करना बहुत ज़रूरी है अगर आप SOL के स्टूडेंट हो, ठीक है? आपको पता है SOL में ना बहुत स्टूडेंट, बहुत बड़ी तादाद में ना एडमिशन्स होते हैं, एनुअली बहुत एडमिशन्स होते हैं पर एनम। और उसमें जो है मैं आपको एक रेशियो बताती हूँ, रेशियो नहीं, इट मीन्स 1.5 लाख से 1,75,000 के बीच में तो एडमिशन होते ही होते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस का एक बेनिफिट मिलेगा आपको। और एक और चीज़, एक और डाउट स्टूडेंट्स के माइंड में घूम रहा है वो ये है कि भाई हमारे जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, चलो ऑनलाइन क्लासेस तो शुरू हो जाएगी लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम हमारे होंगे, या इट्स पॉसिबिलिटी इज़ देयर, हो सकता है मे बी कि आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हों, ठीक है? लेकिन मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो है ना वो सिर्फ 30% पॉसिबिलिटी है। मेरे हिसाब से ऑनलाइन एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। आप एग्ज़ाम्स जैसे आज तक देते हुए आए हो वैसे ही दोगे। थोड़ा सा डिले हो रहा है और वो सबको दिखाई दे रहा है, और भी डिले होगा। 3rd of May तक तो आपको पता ही है कि लॉकडाउन है, उसके बाद थोड़ा बहुत सब सारे काम जो है वो लेट चल रहे हैं लेकिन होंगे उसी तरीके से। अब आपको जो है ऑनलाइन क्लासेस, जो अब सबसे पहला मुद्दा यहाँ पे ये उठता है कि ऑनलाइन क्लासेस में हम लॉग इन कैसे करें, पासवर्ड वगैरह के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो जो है ये मैंने रिकॉर्डिंग पे नहीं बनाया है, ये मैं फेस टू फेस बना रही हूँ। फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ क्योंकि सारे स्टूडेंट जो है SOL की वेबसाइट ओपन करके देखते हैं, और SOL की वेबसाइट पर आप जाइए, ठीक है? वहाँ पे आपका जो एक स्टूडेंट सेक्शन है, स्टूडेंट लॉगिन का, ठीक है, स्टूडेंट सपोर्ट के लिए बना हुआ है, उस पे आप क्लिक करिए और वहाँ पे जो है आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको जो है आपका यूज़र नेम और पासवर्ड उस लिंक के थ्रू आप वहाँ से जनरेट कर सकते हो। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता क्या है, स्टूडेंट के पास क्या मैसेजेस आते हैं भाई, इक्का दुक्का, यानी काफ़ी कम स्टूडेंट के पास जो है मैसेजेस पहुंचते हैं, वो भी लेट, ठीक है? और जो
कई स्टूडेंट्स का तो फ़ोन नंबर ही रजिस्टर्ड नहीं होता, और कई सारे स्टूडेंट तो बार बार वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके जो है अपना फ़ोन नंबर चेंज भी करते हैं, फॉर्म भी भरते हैं, स्लिप पर्ची भरते हैं और जमा भी करवा देते हैं, उसमें स्टैम्प भी लगी होती है, लेकिन क्या होता है नंबर क्या आपका चेंज हो जाता है, नहीं होता ना, तो टाइम पे कोई काम नहीं होता और नंबर जो है वो अपडेट नहीं होता है, नहीं हो पाता है। वो कुछ खुश नसीब बच्चे होते हैं जिनका नंबर ऑलरेडी अपडेट होता है शुरू से ही, और काफ़ी सारे स्टूडेंट को भी काफ़ी लोगों को जो है नंबर चेंज करना पड़ता है, और उस अब जो है उनके पास नहीं, इसी कारण जो है बच्चों आपके पास जो है नोटिफिकेशन को SOL से जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वेबसाइट तो है ना, वेबसाइट तो सबके लिए इक्वल है, वेबसाइट ओपन कीजिए और उस पे जो है आप अपना लॉगिन डिटेल देखिए, स्टूडेंट सेक्शन में जाके जो आपका स्टूडेंट लॉगिन है उस पे आप जाइए, फर्स्ट नंबर पे ही है, उस पे क्लिक कीजिए, उस पे जो लिंक दे रखा है उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए और उसके बाद जो है अपना पासवर्ड और अपना यूज़र नेम ये सब जो है आप जनरेट कीजिए। एक वीडियो मैं बनाऊँगी इसके ऊपर और आपको मैं रिकॉर्डिंग पे दिखाऊँगी कि आपको कि कौन से स्टेप फॉलो करने हैं और किस तरीके से आपको जो है ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी स्टूडेंट बोर हो गए हैं खुद ही खुद पढ़ाई करके, है ना। और वैसे भी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बच्चों को तो खुद ही पढ़ने की आदत होती है, करस्पॉन्डेंस वालों को, और अगर आप खुद भी पढ़ते हो तो इट्स ओके, इट्स सफिशियंट, आप सब जानते हो आपको किस तरीके से स्टडी करनी है। 10 ईयर सबके पास होंगे, 10 ईयर्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है, 5 साल के क्वेश्चन अगर प्रीवियस क्वेश्चंस अगर आप रिपीट कर दोगे ना सिर्फ 5 ईयर्स के, जब तक आपका जो है पैटर्न चेंज नहीं होता, अगर सब मैंने खोल के नहीं देखा, अगर किसी सब्जेक्ट का पैटर्न चेंज हो गया है, सिलेबस चेंज हो गया तो दैट इज़ डिफरेंट मैटर, लेकिन अगर देखिए अगर शुरू से ही वो पैटर्न चलता आ रहा है सिलेबस, तो आपका जो 10 ईयर है जो आपके पास पढ़ा हुआ है, जो 10 ईयर आपने रखा हुआ है उसको रीड कर लीजिए, और सिमिलरी क्वेश्चन जो कि आपके 2015 में भी आया, 16 में भी आया, 17 में भी, 18 में भी, 19 में भी, मतलब अगर ज़्यादातर ईयर्स में वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना तो 100% श्योर हो जाइए कि ये वाला क्वेश्चन तो इस बार भी आने वाला है। ठीक है, और ये एक तरीका है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन ना आपको 5 क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली मिल ही जाएंगे 10 ईयर के अंदर जो बार बार सीक्वेंस में रिपीट हो रहे हैं, सीक्वेंस में नहीं तो एक साल छोड़ के दूसरे साल में आ रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को जानना तो ये तो आपका ही काम है, क्योंकि आपने पास होना है 6 नंबरों से तो भाई आपको ढूंढना पड़ेगा ना थोड़ी, तो आप घर में ही बैठे हो आप सब, तो टाइम का सदुपयोग कीजिए और यूज़ कीजिए उसे अच्छा, और एटलीस्ट 2.5 से 3 घंटे स्टडी के लिए निकालिए, घर में बैठे बैठे कब तक टीवी और कब तक फ़ोन और कब तक ये वो। ठीक है, तो अपना एक 10 ईयर ही दैट इज़ सफिशियंट, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ जो बच्चे वीक हैं जिनको क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है, ताकि स्टूडेंट्स को ये ना लगे कि हाँ कोई मतलब डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो वो वहाँ पे जो है पूछ सकें। ठीक है, पूछ सकें और देख सकें सुन सकें। तो स्टूडेंट्स अभी तो देखिए अभी क्लासेस शुरू नहीं हुई है ऑनलाइन, लेकिन अभी प्रोसीजर जो है वो शुरू हो ही गया है, वो सब आपने देख लिया है नोटिफिकेशन में, और आप जो है आपके जितने भी डाउट्स हैं वो पहले से ही रेडी कर लीजिए, और जो इसके बारे में मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताऊंगी कि आपको किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। ठीक है, और बाकी आप जो है आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए कि आपके फ़ोन पे तो मैसेज ही नहीं आया, जब आपका फ़ोन रजिस्टर ही नहीं होगा, नंबर रजिस्टर्ड ही नहीं होगा वहाँ पे, तो SOL की तरफ से आपके पास हाउ कैन यू गेट मैसेज, इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कई बच्चों के वहाँ पे फॉर्म स्लिप भरने के बाद भी ना वो नंबर अपडेट ही नहीं हो पाता है, वेट करते रहते हैं कि मटेरियल स्टडी मटेरियल का मैसेज आएगा, आई सारे आते हैं और यूनिवर्सिटीज में एक बार नंबर डाल दो बस वो फिक्स हो जाता है, बस उसी पे मैसेज आते हैं। ठीक है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा काम जो है वो डिले होता है,
और तो फिर आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, एग्जाम्स आपके होंगे पास, आप ऐसे नहीं हो जाओगे, दूसरी क्लास में आप प्रमोट ऐसे ही नहीं हो जाएंगे, हो जाओगे, किसी भी चक्कर में मत घूमते रहना। दूसरी चीज़, ऑनलाइन क्लास आपकी शुरू होगी, डेफिनेटली शुरू होगी, प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। इसका जो ऐप वगैरह है इसको डाउनलोड कीजिए, डीपली उस नोटिफिकेशन को पढ़िए, स्टूडेंट जोन में जाइए, उसको चेक कीजिए, वहाँ पे सारे ऑप्शंस। और मैंने क्या बताया था कि आपका जो है मैं रिकॉर्डिंग पे बना दूंगी, जो भी आपका वीडियो है, जिस तरीके से आपको स्टेप फॉलो करने हैं और आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, ठीक है? तो जम के पढ़ाई कीजिए और अच्छे नंबर लाइए, घर पे हो अभी तो कहीं भी आपको जाना नहीं है, टाइम सेव हो रहा है आपका, और कहीं भी ट्रांसपोर्ट से, अपनी बाइक से, स्कूटी से, स्कूटर से, जिससे भी आप जाते हो एग्जाम देने के लिए, क्लासेस लेने के लिए, क्लासेस जो ली जाती हैं, कहीं भी आपको जाना नहीं है, टाइम सेव हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस लेना और घर बैठे बैठे और बात को समझना और खुद भी प्रिपरेशन करना और अच्छे अच्छे नंबरों से पास होना। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और साथ में वो जो छोटी सी घंटी का बटन है ना, उसे जरूर दबा देना, ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन SOS से रिलेटेड आ सके, ठीक है? ये काम जरूर कर देना, एंड थैंक यू।